गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 3 और आज हम चल रहे हैं अपने खेत से, क्योंकि सुबह सुबह मुझे खेत में पानी लगाना है। और देख सकते हैं अंधेरा काफी, मैं ये लाइट लेके आया हूँ, काफी अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हम अभी चल रहे हैं, काफी अंधेरा है। वैसे आप लोग जानते होंगे मेरा खेत घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। खैर चलते हैं खेत से। सर्दियाँ तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी हैं ऐसा लग रहा है, और रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज बारिश होगी तो खेत से नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, रात को बारिश नहीं हुई इसलिए खेत से खेत में पानी लगाने के लिए जाना पड़ा है। और खेत में गेहूँ है, और गेहूँ में पहली बार पानी लगे तो देखिए सारी कुछ नहीं देखा है। ये इधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से भूत ना निकल गया है तो कम लगता है तो रास्ता इधर जाते उधर बाग ये देखिए झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ हैं चारों तरफ। आधी दूरी पर हम पहुंच चुके हैं, चारों तरफ से झाड़ियां हैं और आवाज आ रही है पत्तों की, ऐसा लग रहा है मेरे साथ सब कोई चल रहा हो। उधर से अभी पौधे उधर सिवाय मेरे, और रात के 3:10 हो रहे हैं, 3 बजे तो हम लोग उठ जाते हैं। चल रहा हूँ अभी, बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ मैं भी, क्योंकि 8 दिन में पानी नहीं मिलता है। इतनी भराई होती है इधर दिन में, जो समर है वो खाली नहीं रहती है। अभी हम लोग रात को आए उसके बाद में पानी लगाएं, दिन में आते हैं हम लोग तो पानी नहीं मिलता है। ये देखो ऐसा माहौल है इधर का, ये देखो। और यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ रहा है। देखो चारों तरफ सरसों है, खेत में से कोई भी निकल के आ सकता है इधर। खैर यहाँ पे मंदिर बना हुआ है खेत से मेरे, और सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता है। अभी हम बाग में जाएंगे, अकेले ही हैं, कोई साथ में नहीं आया है, क्योंकि 1.5 बीघा खेत है तो अकेले ही भराई करनी है हमें। और इधर भैंसों का चारा नहीं होता, बर्सी वो है। फिलहाल यहां से इधर जा रहा हूं, ये लो बाग में आ चुका हूं मैं। बाग में कोई नहीं है यार, ताला लगा हुआ है, इधर भी ताला लगा हुआ है, इस तरफ मंदिर है, और इधर देख सकते हैं हम ही है, कोई नहीं है।
ओह गॉड, अकेला आदमी, ये देखो भाई, काफी घना जंगल है। नजर आ रहा होगा कुछ काफी। तो दोस्तों, अभी मैं वहां पे गया तो पता चला कि लाइट खराब है। अब मुझे फिर से इंतजार करना पड़ेगा लाइट के ठीक होने का। मैंने सोचा तब तक खेत से अकेले रात को क्या करूंगा, तो हमने सोचा घर पे चलते हैं। तो अब जा रहे हैं घर पे, आएंगे दिन में। तो ये देख सकते हैं मेरे ऊपर पेड़ पौधे हैं। और यार, कितना भी यार सेंसा आदमी हो, रात को थोड़ा बहुत तो डर लगता है, अकेले होता है खेतों की तरफ। तो हमने भी सोचा कि क्या करेंगे। खैर, भूत प्रेतों का तो डर नहीं लगता है, लेकिन चोर बदमाश गुंडों का लगता है। क्या पता वो चार पांच आगे आ जाएं और हम अकेले, तो क्या कर लेंगे उन लोगों का। खैर, चलते हैं घर पे। अब सोना तो नहीं, थोड़ी देर तक घर पे काम करेंगे कुछ, उसके बाद में दो तीन घंटे के बाद में आएंगे अब। और क्या बताएं, समस्या खड़ी हो गई। आज चार पांच दिन हो गए खेत में पानी लगाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन समय से पानी नहीं मिल रहा। पहले ट्यूबवेल हुआ करती थी, तो आराम से मिट्टी का तेल लेके हम लोग जाया करते थे, और मिट्टी के तेल से ट्यूबवेल को चालू करते थे। लेकिन समय के साथ वो भी खत्म हो गए। अब ये लाइट से समर चलती, लाइट नहीं है तो समर नहीं चलेगी। अभी इधर से ही आया था, इधर भी साइड में कब्रिस्तान है। खैर, समय मिला तो हम कब्रिस्तान के अंदर भी कभी रात में आपको दिखाएंगे कैसा नज़ारा होता है। और पेड़ है काफी। देखो, मैं तो सोच रहा था कि रात को जो है बारिश हो जाएगी तो खेत से नहीं जाना पड़ेगा, खेत में पानी लग जाएगा। लेकिन जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, बरसात नहीं। आवाज क्या देखिए, लाइट मिली है यहाँ पे, वो भी लो हो चुकी है। 150 रुपये की ये लाइट है, लोकल दे दी साले ने। साइकिल भी थोड़ा तेज चलानी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो है जानवर मरे हुए पड़े हैं। तो बंधु अभी खैर, अब तो समय काफी हो गया है, 4 बजने वाले हैं। लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही है, जानवर पड़े रहते हैं इकट्ठा काफी दिख रहा होगा। वीडियो बनाते समय ध्यान इधर उधर भटक जाता है। समय भी
काफ़ी मज़ा भी लिया था। मज़ा बरसात के समय आएगा। साइकिल है अपनी, इसी से हर जगह जाता हूँ, मतलब वीडियो बनाने इसी से जाता हूँ। ये देखो जानवर ना घुस जाए खेत में, इसलिए सारे लोग सुरक्षा के लिए तार लगाए। खैर आपसे मिलते हैं दिन में जब पानी लगाने जाएंगे, तब तक के लिए वेट करिए आप लोग। और जो लोग सुपर के उठ गए हैं उनको गुड मॉर्निंग। यहाँ से थोड़ा दूरी पे मेरा घर है और अभी 4 बज चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं और जाएंगे दिन में जब लाइट आ जाएगी तो देखते हैं आपसे। खेत से आ चुके हैं, जैसा कि हम सुबह 3 बजे आए थे तो यहाँ की लाइट ख़राब थी, लेकिन अभी सही हो गई है और अभी हम लोग आ चुके हैं। तो हमने ये पाइप को, वो आपको पीछे दिख रहा होगा, हमने पाइप को डाल दिया है। अब यहाँ से इस समर में बांधेंगे, मेरे पीछे समर भी लगी हुई है, ये इसमें पाइप को बांधेंगे। और तब तक अभी दूसरे के खेत में पानी चल रहा है, तब तक हम मंगल हैं और पानी चलने लगा। ये सामने इधर जा रहा है पानी और हमारा खेत बो रहा सामने, ये वाला मेरा खेत है और ये पाइप डाल दिया है हमने। अभी इसमें पानी, पता होगा हमारे खेत के पास में मंदिर भी है जो अभी काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसको भी धुल दें हम। तब तक दूसरे खेत में पानी चल रहा है, तब तक हम ये काम करते हैं। काफ़ी गंदा हो चुका है ये, क्योंकि रात को हल्की बारिश हुई थी और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, इसी कारण पूरा गटगट मंदिर पे आ गिरा है। तो इसको साफ कर दें, धुल दें मंदिर को, गंदा हो गया है। और सर्दियों में फिर हम आते भी नहीं थे मंदिर को धुलने, तो दाग काफ़ी हो गए हैं। वैसे कभी कभी आता था लेकिन डेली नहीं आ पाता था सर्दी के कारण। तो अब इसको साफ कर रहे हैं, इधर भी हमें साफ करना है। मंदिर तो फिलहाल हमने धुल दिया है और इसकी ये पेंटिंग भी थी मंदिर के ऊपर, ये सारी, तो ये दाग छुटे नहीं। हमने बहुत कोशिश की छुटाने की और पूरा मंदिर हमने धुल दिया है बाहर से। आप देखिए लड़का ऐसा कुछ नज़ारा है, इधर का ऐसा और इधर का ऐसा, यही सब कुछ था। और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।